हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। और आज इस सेशन में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉब्लम है दैट इज़ वैलिड एनाग्राम्स। तो प्रॉब्लम पहले आपको समझता हूँ उसका मतलब क्या है, एनाग्राम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशंस है कि एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ वर्ड है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखा रहा दैट इज़ लिसन, और अगर मैं इस लिसन को समहाउ अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, और रीअरेंज होने के बाद अगर आपके पास कोई जो नया नाम हमारे पास आता है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज ए एनाग्राम। डेफिनेशन देखो, एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज यूजुअली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। यानी कि जो भी वर्ड आपके पास थे, जैसे मैंने वर्ड आपको बताया लिसन, तो लिसन यहाँ पर भी था और इस लिसन को मैंने यहाँ पर भी मैंने यूज़ किया। आई था, आई को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, एस को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास टी है, टी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया गया है, ई को यहाँ से यूज़ किया हुआ है, एन को यहाँ पर यूज़ किया हुआ। तो देखने की कोशिश करेंगे तो लिसन जो वर्ड है उस वर्ड को मैंने रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद आपका जो नया नाम आपके पास आया दैट इज़ साइलेंट, इसका बोलते हैं एनाग्राम। अब बहुत सारे एनाग्राम हमारे पास रहते हैं, जैसे नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एज हर्ट, हार्ट। तो हार्ट HEART, और सेम इसके जो कैरेक्टर्स को अगर मैं यहाँ से रीअरेंज करता हूँ तो आपके पास यहाँ से अर्थ जो है वो आपके पास यहाँ से आता है। अब यही एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एज वेल एज टी, आपके पास दो स्ट्रिंग्स है, पहला है एस, दूसरा है आपके पास टी, रिटर्न ट्रू इफ एन एनाग्राम इज ऑफ एस। यानी कि अगर आपको उसको रीअरेंज किया है तो रीअरेंज होने के बाद क्या वो आपके पास एक एनाग्राम है या फिर नहीं है, अगर है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न एज फॉल्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज एनाग्राम, राइट। तो मैंने एक वर्ड यहाँ से बनाया था दैट इज ANAGRA एज वेल एज M, और इसी को अगर मैं रीअरेंज किया है तो रीअरेंज का जो करेक्टर हमारे पास है दैट इज NAGARA एज वेल एज M। तो यहाँ पर देखो A यहाँ पर था और उस A को मैंने यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपके पास A है वो ए को भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर भी जी को यूज़ कर दिया, यहाँ पर आर था उस आर को यहाँ पर यूज़ कर दिया, फिर ए आ गया उस ए को दोबारा से यूज़ कर दिया, एम को यहाँ पर यूज़ किया गया, और एन जो है वो एन यहाँ पर आपके पास चला गया। तो बेसिकली ये रीअरेंज दिस इज एनाग्राम हो गया, तो इसी वजह से वी हैव टू रिटर्न द आउटपुट एज ट्रू। अगर ऐसा नहीं है, जैसे नेक्स्ट केस में हमारे पास है रैट, और रैट को अगर मैं एनाग्राम में कन्वर्ट किया है तो वहाँ से आप कार आप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर भी ए और ए तो यहाँ पर अवेलेबल है, आर और आर भी यहाँ पर अवेलेबल, द ओनली थिंग इज यहाँ पर कैट यानी कि सी और टी, ये दोनों चीज़ जो है वो यहाँ पर अलग अलग है, राइट। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं, और ऑब्वियसली दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट, बहुत टाइम लग सकता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जो कॉन्सेप्ट चीज़ है वो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें देखना है कि कम से कम टाइम में हमें इस प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व करना है। व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रैटेजी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं? आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके दोबारा से ट्राई कर सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स को आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो, राइट। जैसे जो भी आपके पास इनपुट था, तो पहला स्टेप आप यहाँ से कर सकते हो, इस एलिमेंट को आप यहाँ से सॉर्ट करो। तो जैसे अगर आपके पास था ANAGRAM, तो मैंने इसको सॉर्ट किया, तो सबसे पहले आपके पास आएगा AA, तो आपके पास आता है ना कैरेक्टर्स ABCDEFGHI, जी मैं ये बार लिखता हूँ पूरा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने सभी कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया है। अब आपके पास तीन बार A आपके पास आया था, तो तीनों एक को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। उसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो दैट इज़ जी, तो आपके पास मैंने यहाँ पर जी को यूज़ कर दिया है। जी के बाद अब आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर आपके पास आएगा दैट इज़ एम, तो एम को मैं यहाँ पर यूज़ कर दिया है, और फिर आपके पास आ रहा है एन। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे
तो थ्री एंड दिस इज आई गेस फोर, आई गेस एक लास्ट जो करेक्टर हमारे पास आएगा दैट इज़ आर। तो ये मैंने क्या किया, इन सभी एलिमेंट को मैंने यहाँ से सॉर्ट कर दिया। उसी तरीके से जो नेक्स्ट कैरेक्टर है आपने भी इस एलिमेंट को यहाँ से सॉर्ट करो। तो सॉर्ट करने के बाद आपके पास आएगा ए ए ए जी एम एन आर। तो सेम एलिमेंट को मैंने यहाँ से सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने के बाद हमें करना ये है कि इन सभी को कंपेयर करना है कि पहले अगर यहाँ पर ए है तो ये भी आपके पास ए है, ये आपके पास ए है ये भी ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है। तो मैंने सभी एलिमेंट को कंपैरेटिवली मैच कर दिया कि हाँ ये सेम कैरेक्टर आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है, दैट्स इट, और आपका काम यहाँ से हो गया। अब पूरी स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है वो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इन एलिमेंट्स को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। आप सॉर्ट में कोई भी एल्गोरिथम यूज़ करें, चाहे क्विक सॉर्ट करें या मर्ज सॉर्ट करें या फिर हीप सॉर्ट है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। एज्यूमिंग कि आपकी हीप सॉर्ट से आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ एन लॉग एन, ठीक है। एन लॉग एन आपकी बेस्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर गिवन है, और इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस में दैट इज गोइंग टू बी बिग ऑफ वन, ओके। तो यानी कि पहले एलिमेंट को हमने सॉर्ट किया, तो यानी कि पहले इस एलिमेंट को हमने सॉर्ट कर दिया और ये भी एलिमेंट को हमने यहाँ से सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से करना है वो ये है कि हर एक एलिमेंट को मैच करना है। यानी कि पहला एक अरे ले लो, जैसे ये अरे आपके पास एस है और दूसरा अरे आपके पास टी है, तो हमें सबकी जो वैल्यूज़ है उसके लिए हम एक फॉर लूप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि फॉर आई की वैल्यू जो है जीरो से लेकर एन माइनस वन एलिमेंट्स तक हमने यहाँ से ले लिया। और हर एक केस में क्या करना है कि अगर आपके पास एस ऑफ आई इज़ इक्वल टू एस ऑफ टी तो वो आपके पास ट्रू है, राइट, तब तक वो ट्रू रहेगा, ठीक है। और समहाउ अगर कहीं पर ऐसा है कि ये वैल्यूज़ आपके पास सेम नहीं है तो वहाँ पर यू हैव टू जस्ट रिटर्न एज फॉल्स और हम इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन सी क्या प्रॉब्लम यहाँ से है। अब इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को हमने सॉर्ट किया, तो सॉर्ट करने में आपके पास एन लॉग एन टाइम यहाँ से लगेगा, और फिर दोबारा से इस फॉर लूप को यूज़ करने के लिए आपको बिग ऑफ एन टाइम यहाँ से लगेगा। बट रफली आपका जो टोटल टाइम लगेगा दैट इज गोइंग टू बी एन लॉग एन, तो आपको एन लॉग एन टाइम यहाँ से लगेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी कब थी, जब आप इस एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हो, राइट, पहला तो आपको सॉर्ट करके दिखा दिया, ठीक है। सॉर्टिंग से अगर प्रॉब्लम आप यूज़ कर रहे होंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी एन लॉग एन, ठीक है। सेकेंड स्ट्रैटेजी है आप चाहें यहाँ पर अरे को भी यूज़ कर सकते हो, और जो तीसरी स्ट्रैटेजी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो दैट इज हैश मैप। अब दोनों केस में जो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम रहेगी। इन दोनों केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज बिग ऑफ एन रहेगी, यानी कि हम सॉर्टिंग से भी बेहतर, इससे बेटर आप यहाँ से कर सकते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन मतलब क्या है, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ बाय यूजिंग एन अरे, ठीक है। अब अरे से कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप चेक करो कि कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इंग्लिश में यू हैव 26 कैरेक्टर्स, तो मैंने 26 कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो एक अरे बना दो, ठीक है। तो सभी जो इंडेक्स लोकेशंस है वो यहाँ पर आपके पास आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन 25, ठीक है। तो टोटल सभी अरे को मैंने सभी 26 लोकेशंस को यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे ही पहला कैरेक्टर आपके पास ए आया है तो जहाँ पर भी ए होगा वहाँ पर इन सभी की वैल्यू में आपको एड अप वन करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले तो इन सभी की वैल्यू को आप ज़ीरो कर दो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी की वैल्यू को ज़ीरो करो। और जैसे ही पहले आपके पास ए आया तो हमने इसकी वैल्यू को वन कर दिया। फिर जहाँ पर आपके पास एन आएगा, जहाँ पर भी आपके पास एन है तो उसके अंदर प्लस वन कर देंगे तो उसके अंदर आपके पास वन आ जाएगा। फिर दोबारा से आपके पास ए आएगा तो यहाँ पर इसको काउंट कर दिया टू। ऐसे ही अगर आपके पास कहीं पर अगर आपके पास जी आया है तो जी की वैल्यू को भी हमने यहाँ से वन कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास कहीं पर आर आपके पास आया है तो आर के अंदर भी हमने प्लस वन कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास ए आया तो इसको भी हमने यहाँ से ऐड कर दिया। ऐसे ही कहीं पर अगर आपके पास एम आया है तो एम आते ही हमने इसकी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। तो बेसिकली करना क्या था कि अपने हर एक कैरेक्टर्स के अंदर वैल्यूज़ को हमने प्लस वन कर दिया। सिंपल ये है कि आपके पास हर एक लोकेशन से आपको पता चल गया कि कितने कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, दैट्स इट। अब फिर करना क्या है कि हमने जो भी नेक्स्ट एनाग्राम यहाँ पर गिवन है, जैसे अगर आपके पास कहीं पर एन अगर अवेलेबल है तो मैं एन पर जाऊँगा और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ज़ीरो। फिर दोबारा से जब आपके पास एक ए आएगा तो
तो उस केस में इस एक वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। फिर आपके पास जहाँ पर भी आपके पास जी आएगा, जहाँ पर भी जी था उसकी वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। फिर दोबारा से अगर आपके पास ए आएगा तो ए आते ही हमने इसकी वैल्यू को माइनस कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास कहीं पर आर आपके पास आ रहा था तो आर की वैल्यू को भी हमने माइनस कर दिया। फिर से ए आया तो इसकी वैल्यू फिर से आपके पास ज़ीरो हो गई, और फिर आपके पास एम आया तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो गई। कहने का मतलब है कि दूसरा जो अरे था आपके पास टी, उन सभी की वैल्यू को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद अगर पूरा जो अरे है दोबारा से ट्रैवर्स कर लो, ट्रैवर्स करो, और ट्रैवर्स करने के बाद अगर सभी का वैल्यू जो है, अगर हर जगह पर आपके पास वैल्यू ज़ीरो है, तो यानी कि यस इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ए एनाग्राम, तो आपके पास एक एनाग्राम है। अगर कहीं पर भी ऐसा है कि इसकी वैल्यू में कहीं पर भी एक वैल्यू आपके पास वन आ जाए, या वन या वन से ज़्यादा कहीं पर वैल्यू आपके पास आ रही है, तो यानी कि यू कैन क्लियरली से कि नहीं, ये कैलक यहाँ पर एनाग्राम यहाँ पर नहीं है, राइट। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो हमें जो स्पेस कितनी चाहिए होगी, हमें स्पेस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कितने कैरेक्टर्स थे। तो बिकॉज आपके पास 26 कैरेक्टर्स हैं, तो सभी 26 कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पर यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि आपके हर एक कैरेक्टर्स को, जैसे अगर मैं सी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो सी लैंग्वेज में हम ASCII कोड हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं जावा को यूज़ करता हूँ तो यूनी कोड हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक कैरेक्टर्स की वैल्यूज़ क्या है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी आपके पास एक कैपिटल ए गिवन है उसको कन्वर्ट कर दो ना लोअर, यानी कि कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए, हम इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और आपका काम यहाँ से हो गया। तो एक्स्ट्रा स्पेस हमें चाहिए होगी इस 26 कैरेक्टर्स से, यानी सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक्स अगर यहाँ पर कैरेक्टर्स अगर सी से रिप्रेजेंट करता है, बिग ऑफ सी हम लोग स्पेस यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो पहली बार इन सबको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, दैट इज़ बिग ऑफ एन टाइम, और फिर दोबारा से उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा नेक्स्ट टी के लिए, तो यहाँ से भी आपको बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, और लास्ट में कन्फर्म करने के लिए बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। तो ओवरऑल जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी बिग ऑफ एन, तो यहाँ से बिग ऑफ एन टाइम से आपका काम यहाँ से हो गया, ठीक है। दैट्स इट, इजी प्रॉब्लम थी, राइट। दो प्रॉब्लम बता दी आपको, सबसे सॉर्टिंग करके, दूसरा हो गया बाय यूजिंग एन अरे, ठीक है। तीसरा हो गया आपके पास हैश मैप। तो करना यह है कि जब भी आपके पास कोई कैरेक्टर यहाँ पर आपके पास आया है, जैसे कैरेक्टर आपके पास ए आया है, तो उसके साथ एक वैल्यू हम ऐड कर देंगे वन। जितनी बार एक कैरेक्टर को पहली बार देखा है तो हमने इसके प्लस वन कर दिया। उसी तरीके से अगर आपके पास एन आएगा तो उसके अंदर हमने वन कर दिया अपने हैश मैप में। फिर जैसे ही आपके पास दोबारा से ए आपके पास आएगा तो हमने इसकी वैल्यू को टू कर दो। फिर आपके पास जहाँ पर भी आपके पास आर आएगा तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ से वन कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास दोबारा से ए आपके पास आ रहा तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर थ्री कर दिया, और जहाँ पर भी एम आपके पास आएगा तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ से वन कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक हैश मैप को यूज़ क्रिएट कर लिया, बस ये देखना है कि जितनी बार एक कैरेक्टर आपके पास आ रहा है तो उसको एडअप करते रहो, और जैसे ही आपके पास नेक्स्ट अरे आपके पास आएगा तो सबकी वैल्यू को माइनस करते रहो। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम हैश मैप को यूज़ करूँगा तो आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो पहले से कम हो जाएगी। इवन दो आपने पहले अरे को यूज़ किया था, अरे में 26 कैरेक्टर्स थे, तो उन सभी 26 कैरेक्टर्स के लिए मैंने एक अरे को क्रिएट किया था जो कि ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। इवन उसकी जगह पर भी अगर मैं हैश मैप को भी यूज़ करूँगा तब भी आपके पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल कॉन्स्टेंट, वो भी आपके पास कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इवन दो यहाँ पर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, ए एन आर और एम, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी स्पेस पहले से कम रहेगी, बट ये भी स्टिल एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो यू कैन यूज़ एन अरे, अरे को भी यूज़ कर सकते हो आप चाहे तो, हैश मैप किसी को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को, इस कोड को मैं दोबारा से आपको कोड करके दिखा रहा हूँ बाई यूजिंग अरे, और सेम प्रॉब्लम को इसके बाद में हैश मैप से भी सेम प्रॉब्लम को आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। तो चलो, तो पहला जो प्रॉब्लम है बाय यूजिंग अरे, हमें यहाँ से अरे को यूज़ कर रहा हूँ, तो पब्लिक बुलियन एक फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन यहाँ पर क्या करना है, इफ एस डॉट, एस को हमने यूज किया था, दैट इज लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने
तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया कि मेक श्योर कि जो भी कैरेक्टर्स थे, जैसे पहला आपकी स्ट्रिंग है, इसके टोटल जो एलिमेंट्स है 7 है, और यहाँ पर भी इसका साइज़ जो है वो 7 है. अगर दोनों का साइज़ आपके पास 7 है तो डेफिनेटली यू कैन से इट इज़ अ यू नो एनाग्राम. अगर दोनों का साइज़ ही अलग अलग है तो ऑब्वियसली आप एनाग्राम नहीं बना सकते. तो मैंने क्या कर दिया कि एस डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ. अगर उसकी एस की जो लेंथ है और टी की वैल्यू है अगर सेम नहीं है तो उस केस में जस्ट रिटर्न फॉल्स. तो आप फॉल्स कर दो क्योंकि उस केस में आप एनाग्राम आप यहाँ से नहीं बना सकते. यू कैन नॉट से इट इज़ अ एनाग्राम. तो ये पहली स्टेटमेंट होगी. ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक अरे को क्रिएट कर दिया. तो इंटीजर और फिर हमने कैरेक्टर काउंट को यूज़ कर दिया है इज इक्वल टू न्यू इंटीजर द आंसर इज 26. ठीक है, 26 जितने 26 कैरेक्टर्स है सबके लिए एक इंडेक्स लोकेशन यहाँ से रिप्रेजेंट कर दी और सबको काउंट करना है. ठीक है, जो भी आपके कैरेक्टर्स आपके पास आ रहा है आपने उसको काउंट करना है. सो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, साथ आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ और साथ साथ हमें करना पड़ेगा दैट इज आई प्लस प्लस. लूप यहाँ पर ऐड कर दिया और हर एक केस में हमें एक चीज़ करना है, कैरेक्टर काउंट्स हमें यहाँ पर उसका दिया एस डॉट कैरेक्टर एट जो भी लोकेशंस है जैसे आपके पास आई है माइनस मैंने कैपिटल कैरेक्टर स्मॉल कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया. सिंपली मतलब क्या था कि आपके पास जो भी वैल्यूज आएगी उसमें से माइनस ए कर दिया ताकि काउंट समझ आ जाए. ठीक है, कि जो भी कैरेक्टर उस लोकेशंस में से है मैंने उस लोकेशंस में से मैंने माइनस ए को कर दिया और इंडेक्स लोकेशन मिल गई. ठीक है, ये दिस इज़ फॉर इंडेक्स लोकेशन. ठीक है, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लोकेशन है आपके पास, ये आपके पास स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्मॉल ए में से अगर मैं ए को माइनस करूँगा तो वैल्यू हो गया आपके पास 0, इंडेक्स लोकेशन 0 हो गई. और उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई कैरेक्टर है बट सपोज इट इज़ एन, ठीक है, एन में से अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करूँगा तो बेसिकली इंडेक्स लोकेशन प्रेजेंट करेगी और उसी इंडेक्स लोकेशन में से प्लस 1 कर दिया तो प्लस 1 करने के लिए प्लस प्लस मैंने यहाँ से स्टेटमेंट में यहाँ से ऐड कर दिया है. तो ऐसा करने से आपका ये काम यहाँ से हो गया. अब हमें करना ये है कि हमें दूसरा फॉर लूप्स करेंगे और सबकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, यानी कि दूसरा जो आपके पास स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हमारे पास गिवन है जिसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें यहाँ से उसको माइनस करेंगे. तो आपके पास आएगा इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, उसके साथ साथ आई इज लेस देन टी डॉट लेंथ और उसके साथ साथ मैंने ऐसे दोबारा से आई प्लस प्लस कर दिया है, लूप यहाँ से क्रिएट कर दिया है और हर एक केस में हमें यही स्टेटमेंट को हमें यहाँ से यूज़ करना है दैट इज कैरेक्टर काउंट्स. सो टी डॉट कैरेक्टर एट आई को रिप्रेजेंट किया है, उसमें से हमने माइनस ए को रिप्रेजेंट कर दिया है, उसमें से हमने माइनस माइनस को कर दिया है और फिर करने के बाद इफ कैरेक्टर काउंट्स टी डॉट कैरेक्टर एट आई और उसमें से हमें माइनस इस कैरेक्टर को माइनस कर देंगे और करने के साथ साथ हमें लेस देन 0 है. ठीक है, तभी हम लोग करेंगे जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 0 है और साथ साथ हम यहाँ से करेंगे रिटर्न फॉल्स. ठीक है, एक बार पूरा देख लेता हूँ यहाँ से मैंने अब तक क्या किया है. मैंने तो पहले केस मैंने क्या किया है कि इफ़ लेंथ पहले स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है दोनों की लेंथ अगर आपके पास सेम नहीं है तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर दो. अदरवाइज एक हमने अरे को क्रिएट कर दिया जिसके अंदर 26 लोकेशंस हैं, हर एक कैरेक्टर्स पे मैंने इंडेक्स में हमने मतलब
इंडेक्स लोकेशंस पे हमने काउंट कर दिया, ठीक है, यानी कि जो भी इंडेक्स लोकेशन 0 से लेकर 26 है तो सभी केस में हमने सेम वैल्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, एस डॉट कैरेक्टर्स ए माइनस ए, ठीक है। और फिर करने के बाद फिर नेक्स्ट फॉर लूप को हमने यहाँ से यूज़ कर दिया है, ठीक है। और करने के बाद हमने माइनस माइनस कर दिया है दोनों केस में, और करने के बाद ठीक है, आई गेस दिस इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी डन। और अगर कहीं पर इस फॉर लूप के बाद अगर ऐसा होता है कि ये सेम चीज़ करने के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास नहीं आई है, तो यू कैन जस्ट रिटर्न एज ट्रू, ठीक है। तो रिजल्ट लास्ट में आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज समहाउ अगर कहीं पर भी इसके स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपके पास फॉल्स यहाँ से आपके पास इधर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखा भी देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर में रहे, आपको समझ में आए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, आई गेस इट इज़ विजिबल, ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। और एक बार रन करके देखते हैं, कुछ इशू तो नहीं है। यस, आई थिंक यू कैन सी कि आपकी पहला जो टेस्ट है वो पास हो गया, और सेकंड को भी हम लोग चेक कर रहे थे, सेकंड जो है वो भी आपके पास पास हो गया, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। तो दोनों चीज़ें यहाँ से आपके पास हो गई, तो बहुत ईजी प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम इस बार जो मैंने यूज़ किया था दैट इज़ बाई यूजिंग अरेज, ठीक है, यू कैन सबमिट इट, आपका काम यहाँ से हो गया। बट एनीवेज, अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, मतलब सेम प्रॉब्लम को हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग हैश मैप्स। तो हैश मैप से कैसे यूज़ करेंगे, तो पहली स्टेटमेंट आपका सेम रहेगी, ठीक है, और तो पहली स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर आएगी। द ओनली थिंग इज यहाँ पर इन चीज़ों को हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो करना क्या क्या है यहाँ से, तो सबसे पहले एक हैश मैप को क्रिएट करो। तो वी हैव हैश मैप, और हैश मैप होगा कैरेक्टर्स का, और उसके साथ साथ हमारे पास एक इंटीजर्स को यूज करेंगे, कैरेक्टर्स एज वेल एज वी हैव इंटीजर्स, ठीक है, एक कैरेक्टर को यूज करेंगे साथ साथ एक इंटीजर को यूज करेंगे, यानी कि कौन सा कैरेक्टर है, जैसे कैरेक्टर आपके पास ए है तो ये उसकी जो वैल्यूज है उसके इंटीजर को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज काउंट्स इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, फिर करने के बाद हमें काउंट द कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें बेसिकली फॉर लूप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं सिंपली। तो जो भी कैरेक्टर्स आपके पास आएगा सब कैलकुलेट करते रहो और हैश मैप में डालते रहो। तो आपके पास इंटीजर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ साथ आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, और साथ साथ हम लोग आई प्लस प्लस कर दिया, एक फॉर लूप यहाँ से आ गया। और हर एक केस में वी हैव कैरेक्टर सी इज इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर एट आई, और काउंट्स डॉट पुट दैट इज सी कॉमा काउंट्स डॉट गेट और डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट, ठीक है, जहाँ पर आपके पास कैरेक्टर की सी की वैल्यू थी और उसकी इनिशियल वैल्यू जो थी आपके पास वो थी ज़ीरो, और उसके साथ साथ हमने यहाँ से प्लस वन कर दिया है, ठीक है। फिर करने के बाद हमने दोबारा से फॉर लूप ने यहाँ पर यूज कर दिया है, तो आपके पास है इंटीजर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन टी डॉट लेंथ, और साथ साथ आपके पास आई प्लस प्लस है, और साथ साथ हमने क्या किया, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू टी डॉट कैरेक्टर एट आई, तो हर एक कैरेक्टर को मैंने यहां से पिक किया, और पिक करने के बाद हमने चेक किया कि अगर वो पहले से ही यहां पर अवेलेबल भी है तो मैं इसे if not counts dot contains
की, अगर वो की यहाँ पर अवेलेबल है या फिर काउंट की जो वैल्यूज पहले से ही अगर आपके पास कहीं पर जीरो है, ठीक है, तो उस केस में जस्ट रिटर्न एज फॉल्स। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बोला है कि अगर वो जो कैरेक्टर है अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, राइट, या फिर कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर्स अवेलेबल है लेकिन हमने से काउंट जो है पहले से ही यहाँ से ज़ीरो कर दी है, तो उस केस में हमने यहाँ से फॉल्स कर दिया है, ठीक है। और फॉल्स करने के बाद सिंपली जस्ट फॉल्स करने के बाद यू कैन से दैट इज काउंट्स डॉट पुट, यहाँ पे आपके पास का सी कॉमा काउंट्स डॉट गेट इन सी, उसमें से हमने इसको माइनस वन कर दिया, अगर ऐसा नहीं है तो माइनस वन कर दिया, और ये आपके पास हो गया पहला फॉर लूप। बस वो कंफर्म करने के लिए कि है कि नहीं है, तो हमने दूसरा फॉर लूप हमने यहाँ से क्रिएट कर दिया है। तो इंटीजर काउंट, यहाँ पर है काउंट्स डॉट वैल्यूज, इफ your count is not equal to zero, so just return false, otherwise you can just return true, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया मैंने सभी केस में। तो सबसे पहले हमने किया है कि हमने एक चेक कर लिया कि दोनों के अगर लेंथ अगर आपके पास सेम नहीं है तो उस केस में रिटर्न कर दो फॉल्स। अदरवाइज हमने एक हैश मैप को क्रिएट कर दिया है जहाँ पर आपके पास कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर का एक काउंट है, इसके इंटीजर को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। करने के बाद फिर हमने एक और फॉलो अप को यूज़ किया है कि जो भी कैरेक्टर आपके पास आया है उस इंडेक्स लोकेशंस पे, यानी कि जो भी मतलब कैरेक्टर्स है आपके पास उसके साथ साथ हमसे काउंट के अंदर हम लोग यहाँ से प्लस वन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, तो काउंट द कैरेक्टर्स एस पहले इसके लेंथ को हमने यहाँ से यूज़ कर दिया है, और हर एक केस में कैरेक्टर सी इज इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर ए आई, तो यानी कि उस इंडेक्स लोकेशन पर जो भी वैल्यू है हमने उस कैरेक्टर सी में हमने यहाँ से डाल कर दिया है, मतलब डाल दिया है। डालने के बाद हमने काउंट्स पुट, ठीक है, तो उस काउंट को हमने डाल दिया है उसके अंदर, और साथ साथ हमने दो चीज़ कर दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज आपके पास जीरो होती है, तो जीरो के अंदर हमने उसकी वैल्यू को प्लस वन कर दिया है। जो भी कैरेक्टर आपके पास आएगा उस कैरेक्टर्स की वैल्यू पे हमने प्लस वन यहाँ से डाल दिया है, ठीक है। वो किस वजह से आया है, बिकॉज ऑफ दिस इंटीजर, इसकी वजह से। फिर हमने दोबारा से मैंने एक फॉर लूप यूज़ किया, और जब भी आपके पास कोई वैल्यू आएगा तो हमने उसके अंदर प्लस वन माइनस वन हमें इस बार करना है, तो यानी कि दूसरे स्ट्रिंग को हमने यूज़ किया। हर एक केस में हमने चेक किया है कि उस इंडेक्स लोकेशन पर जो भी कैरेक्टर्स को हमने यहाँ से पिक किया और चेक किया है इस काउंट कंटेन्स सी, ठीक है, और यहाँ पर गलत है नॉट, ठीक है, मतलब कि अगर वो एलिमेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो कैरेक्टर वहाँ पर है ही नहीं, या फिर आपकी जो काउंट की वैल्यू है अगर आपके पास जीरो है तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है इस हैश मैप में, तो हमने इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इस स्टेटमेंट पर जाएंगे, तो उसकी वैल्यू को हमने माइनस वन कर दिया। माइनस वन करने के बाद अब हमने दूसरा एक फॉर लूप यूज़ किया है, और वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो वहाँ पर, जिसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, मतलब दूसरे फॉर लूप में, है ना, फॉर लूप में जो यूज़ किया था हैश मैप में कोई ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, अगर वहीं पर किसी की वैल्यू आपके पास ज़ीरो नहीं है तो यानी कि वो फॉल्स है, ठीक है। अदरवाइज सबकी जो वैल्यूज है वो आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए, तब आपके पास ट्रू आएगा, दिस इज़ इट। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है मैंने यहाँ से यूज़ की है। मैं इसको रन करके देख लेते हैं, अगर कुछ एरर है तो हम लोग ऐसे देख लेते हैं, कुछ एरर होगा तो। तो यस, आई थिंक यू कैन सी दोनों जो स्टेटमेंट्स है, जो टेस्ट केसेस हैं, वो यहाँ से मैच हो गया। पहला है एनाग्राम और आउटपुट इज़ ट्रू, और उसी तरीके से दूसरा केस नंबर टू है एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ सही है, और आपका
जो टेस्ट जो है वो यहाँ से पास हो गया, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट। तो आप चाहें तो हैश मैप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें अगर अरे आप यूज़ करना चाहते हैं तो अरे भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनीथिंग, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।